दोस्तों सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल। जय श्री राम भक्तों, आज की कथा है चतुर चोर और भगवान श्री कृष्ण। आइए कथा श्रवण करें। चंदनपुर गांव में चंदन नाम का एक चोर रहता था। वह अभी छोटा ही था कि उसके पिता गुजर गए। खेती बाड़ी के लिए जमीन भी नहीं थी। धीरे धीरे वह चोरी करना सीख गया और एक दिन शातिर चोर बन गया। विवाह के बाद उसके एक बेटी हुई, लेकिन कुछ दिन बाद पत्नी स्वर्ग सिधार गई। परिवार में चंदन, उसकी बूढ़ी माँ और बेटी रह गई। माँ ने कई बार समझाया, बेटा तू बड़ा हो गया है, अब मेहनत करके खा, चोरी की आदत छोड़ दे। पर चंदन को तो इसकी लत पड़ गई थी। दिन भर आराम करता, रात होते ही घर से निकल पड़ता। पैसा, बर्तन, गहना, कपड़ा जो भी हाथ लगता उठा लाता। कभी कोई कीमती चीज मिल जाती तो फिर कई दिन छुट्टी कर लेता। एक बार चंदन की माँ बीमार पड़ गई। उसने दवा दिलाई पर कोई लाभ नहीं हुआ। वह दिन पर दिन और कमजोर होती जा रही थी। माँ की बीमारी के कारण चंदन चोरी करने भी नहीं जा सका। घर में रखा रुपया पैसा खत्म हो गया। बीमारी बढ़ती जा रही थी। ऊपर से काम धंधा चौपट हो गया। खाने के लाले पड़ गए। चंदन ने निर्णय लिया कि आज चोरी करने जरूर जाएगा। अमावस की रात थी, घना अंधेरा छाया हुआ था। एक पहर बीता, बीमार माँ की आंख लग गई, बेटी भी सो गई थी। चंदन घर से निकल पड़ा। कोस भर की दूरी पर दूसरा गांव था। वह वहां पहुंच गया। एक गली से निकल नीम के पेड़ के पास खड़ा हो गया। पास के एक मकान से उसे बातचीत की आवाज सुनाई दी। चंदन नजदीक जाकर दीवार के साथ कान लगा, उनकी बातें सुनने लगा। दो व्यक्ति धीरे धीरे बातें कर रहे थे। मिट्टी का दीपक टिमटिमा रहा था। चंदन ने खिड़की से देखा, कोई बुजुर्ग पलंग पर लेटा हुआ है। उसकी आवाज से लगा वह बीमार है। उसकी चारपाई के पास ही एक युवक खड़ा था। बातें सुन चंदन समझ गया वे पिता पुत्र हैं। युवक ने कहा, पिताजी सुबह वैद्य के पास शहर चलेंगे। आज फसल बिकी है, आपकी दवा के लिए मैंने 400 रुपये अलग निकालकर सामने अलमारी में रख दिए हैं। वैद्य ने कहा है दवा महंगी है, पर आप उससे ठीक हो जाएंगे। चंदन ने युवक की बात सुन ली थी। वह वहीं दीवार की ओट में छिपकर बैठ गया। रात का अगला पहर बीता। चंदन ने देखा पिता पुत्र दोनों सो चुके थे। वह खिड़की के रास्ते चुपचाप कमरे में घुसा और अलमारी में रखे रुपए निकाल लिए। दिन निकलने से पहले वह अपने घर लौट आया। माँ ने पूछा तो बहाना बना दिया। चंदन अगले दिन फिर चोरी करने निकला। इस बार उसका शिकार बना विमल चंद। विमल चंद ने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे बचाकर रखे थे। चंदन ने सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि उसकी पत्नी के गहने भी चुरा लिए। उन 2 दिनों में चंदन को काफी माल मिल गया था। उसने सोचा, मेरे पास अब पैसे हो गए हैं, शहर में वैद्य से माँ का इलाज करवा सकता हूँ। बेटी भी बड़ी हो गई है, उसकी शादी के लिए भी तैयारी करनी चाहिए। चंदन चाहता था किसी अच्छे युवक से लड़की का विवाह हो जाए, पर समाज में उसकी इज्जत तो थी नहीं। जहां भी लड़की के लिए रिश्ते के लिए जाता ना हो जाती। इस बार संयोग से वह उसी गांव में पहुंच गया जहां विमल चंद ने अपनी बेटी की सगाई की थी। चंदन को वहां एक लड़का पसंद आ गया। उसने लड़के के माँ बाप से बात की, उन्होंने हाँ कर दी। चंदन बेटे की शादी शीघ्र करना चाहता था। उसने वही मुहूर्त निकलवा कर विवाह का दिन निश्चित कर दिया। उधर विमल चंद के पास बारात को खाना खिलाने के लिए पैसा भी नहीं बचे थे। उसने कुछ महीनों के लिए बेटे का विवाह टाल दिया। श्यामपुर गांव से बाहर तालाब के किनारे गोपाल जी का एक मंदिर था। कार्तिक मास की पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता था। लोग कार्तिक में स्नान करते और गोपाल जी के मंदिर में रखे गुल्लक में पैसे डालते। लोगों की मान्यता थी कि पूर्णिमा के दिन गोपाल जी स्वयं आते हैं। जिन लोगों ने श्रद्धा पूर्वक अपनी सच्ची कमाई से दान दिया है, उनको उसका फल देते हैं। लोग दूर दूर से मन्नत मांगने आते थे। चंदन भी मेले में गया। तालाब में स्नान कर उसने गुल्लक में पैसे डाले।
उसने विमल चंद के घर से चुराए गहनों में से एक अंगूठी भी गुल्लक में डाल दी। मन्नत मांगी, बेटी का विवाह हो जाए, माँ स्वस्थ हो जाए। वह घर लौट आया। अभी कुछ ही दिन बीते थे, वह एक बार माँ के लिए शहर से दवा लेकर लौट रहा था। रास्ते में वह गांव भी पड़ता था जहां चंदन ने 400 रुपए चुराए थे। उत्सुकतावश वह उसी घर के आगे से निकला। उसने देखा वह बूढ़ा तो भला चंगा होकर घर के बाहर टहल रहा था। चंदन ने पूछा, काका तुम तो बीमार थे, अब तो बिल्कुल स्वस्थ लग रहे हो। बूढ़े ने उत्तर दिया, हाँ बेटा, गोपाल नाम का एक वैद्य गांव में आया था, उसकी दवा से ठीक हुआ हूँ। चंदन को जल्दी थी, घर आकर वह बेटी के विवाह की तैयारियों में जुट गया। समय गुजरा, विवाह का दिन आ गया। चंदन ने बारातियों के लिए तरह तरह के पकवान बनाए। शाम को गाजे बाजे के साथ बारात आई, पर यह क्या, बारात तो विमल चंद के घर की तरफ जाने लगी। चंदन को पता चला कि बराती विमल चंद के घर की तरफ जा रहे हैं, तो वह भागा भागा उनके पास गया। बोला, मेरा घर उधर है, आप उधर कहाँ जा रहे हैं? तभी उसकी नजर दूल्हे पर पड़ी। यह तो वह लड़का नहीं था जिससे उसने अपनी बेटी का रिश्ता तय किया था। उसका माथा ठनका। उसने एक बुजुर्ग से पूछा, आप लोग किसके यहाँ जा रहे हैं? बुजुर्ग ने उत्तर दिया, विमल चंद के यहाँ, इस लड़के के साथ उसकी बेटी का विवाह होना है। एक बाराती बोला, पता नहीं गोपाल नाम का कोई व्यक्ति आया था, आज के दिन बारात सहित आने को कह गया था। चंदन ने कहा, मेरी बेटी की बारात भी आपके गांव से आनी थी, अभी तक आई नहीं। बुजुर्ग बोला, आपने तो बेटी का रिश्ता 6 माह के लिए टाल दिया था, फिर बारात आज कैसे आती? चंदन के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। कहा, मैंने तो रिश्ता नहीं टाला। दूसरा बाराती बोला, गोपाल नाम के उस आदमी ने कहा था कि चंदन ने 6 माह के लिए विवाह टाल दिया है, मैं उसका मित्र हूँ और उसी ने मुझे भेजा है। चंदन को काटो तो अब खून नहीं, अब क्या करे? काफी देर सोचता रहा, गोपाल नाम का यह आदमी कौन है? तभी उसे गोपाल जी के मंदिर का ध्यान आया। उसने गुल्लक में पैसे डाले थे, अंगूठी भी डाली थी, फिर भी काम नहीं बना। वह मंदिर में पुजारी के पास गया, सारी कहानी सुनाई। पुजारी ने कहा, क्या गुल्लक में डाला धन तुम्हारी शुद्ध कमाई का था? चंदन मंदिर में झूठ ना बोल सका। बोला, वह सब चोरी का धन था। पुजारी ने कहा, जिसका धन था गोपाल जी ने उसको ही फल दिया, तुम भी शुद्ध कमाई करोगे तो तुम्हें भी फल मिलेगा। बात चंदन की समझ में आ गई। गुल्लक में डाले पैसे बूढ़े आदमी के थे, अंगूठी विमल चंद की थी, दोनों के काम हो गए। गोपाल जी मुझे क्षमा करो, मैं आज से चोरी के धंधे को छोड़ रहा हूँ। इतना कहकर चंदन वापस मुड़ गया। विमल चंद की बेटी को ब्याहने दूल्हा बारात सहित दरवाजे पर आ गया। विमल चंद के यहाँ कोई तैयारी भी नहीं थी, वह सोच में पड़ गया। उधर मंदिर से लौटते समय चंदन ने सोचा, बारात के लिए पकवान विमल चंद के पैसों के ही हैं, मेरी बेटी की बारात तो आज नहीं आएगी, फिर क्यों ना यह सामान विमल चंद को सौंप दूं। वह भागा भागा विमल चंद के घर गया। बोला, भाई मैंने अपनी बेटी के विवाह की सब तैयारी कर रखी थी, अब तुम वह सारा सामान अपनी बेटी के विवाह के लिए ले लो। क्यों भला? विमल चंद ने पूछा। यह गोपाल जी का आदेश है, कहते हुए चंदन ने और लोगों को भी साथ लिया और सारा सामान विमल चंद के घर पहुंचा दिया। विमल चंद को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी पुजारी जी उधर से गुजरे। चंदन बोला, पुजारी जी मैंने विमल चंद को सब सामान वापस कर दिया है, गोपाल जी से कहना मुझे आशीर्वाद दें कि 6 माह बाद मेरी बेटी का विवाह भी सुख से संपन्न हो जाए। पुजारी ने चंदन को गले लगा लिया, विमल चंद को पूरी कहानी समझा दी। कहा, धूमधाम से बेटी का विवाह करो, गोपाल जी तुम्हारे साथ हैं। खुशी से विमल चंद की आंखों में आंसू आ गए। भक्तों, प्रभु की कृपा जिस पर हो जाती है वह निहाल हो जाता है। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचारों सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।